हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी पावर यानी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जेपी पावर लिमिटेड जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन 30 जुलाई 2021 के अंदर आपने देखा था 20 पैसे के यहाँ पे अपर सर्किट लग गया था। 4.55 की ओपन प्राइस के बाद 4.55 से लो नहीं बनाया और 4.90 का अपर सर्किट, लगभग 4.26% का अपर सर्किट लगा है। यहाँ पे अगर टोटल वॉल्यूम देखें एनएससी के ऊपर 106.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी 11,69,36,608 शेयर्स ट्रेड किए, जहाँ पे 59.11% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें दोस्तों तो 25.2 मिलियन शेयर्स यानी 2,52,28,094 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे 49.18% की डिलीवरी। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,351.34 करोड़ रुपए और आपको बताना चाहूँगा इसका 52 वीक हाई है 6.84 का, लो है 1.94 का। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड से लास्ट कुछ पीरियड्स में बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। ईयर टिल डेट में अगर देखें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 51.39% का रिटर्न दिया है। वन वीक में 7.39% डाउन जरूर है, एक महीने में भी आपको 13.91% डाउन है, लेकिन तीन महीने में देखें तो 56.23% का पॉजिटिव रिटर्न है। सिक्स मंथ में देखें तो 68.04% का पॉजिटिव रिटर्न, वन ईयर में देखें तो 119.28% का पॉजिटिव रिटर्न है, दो साल में देखें तो 174.72% का पॉजिटिव रिटर्न, तीन साल में देखेंगे तो 83.15% का पॉजिटिव रिटर्न है। दोस्तों, जेपी पावर वेंचर लिमिटेड की से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है, इन्होंने अभी स्टॉक एक्सचेंज को एक अपडेट शेयर किया है, मैं अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है और ट्रेडेड वॉल्यूम है उसका कितना परसेंट इन्होंने डिलीवरी के लिए लिया है, इसमें उठाया गया, वो हम देखते हैं। ओके देखिए, 30 जुलाई 2021 के दिन देखें अगर हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड किए गए 14,21,64,700 शेयर्स, जिसमें से 8,01,35,100 शेयर्स को लोगों ने डीमैट अकाउंट में स्टोर कर लिया। परसेंटेज वाइज देखें तो 56.4% की डिलीवरी है। डिलीवरी में आप देख सकते हैं राइज हमें देखने को मिला है, हालांकि ये राइज बहुत शार्प नहीं है, इससे पहले भी 52.8% की डिलीवरी थी, उससे पहले 57.5% की थी, उससे पहले 59% की थी, उससे पहले 46, मतलब ऑन एन एवरेज देखें तो हम 56% के आसपास इसमें हमें डिलीवरी लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। ओके तो दोस्तों, ये एक बढ़िया अपडेट है, मतलब इससे हमें एक इशारा मिलता है कि इस कंपनी के अंदर लोग एक्युमुलेशन कर रहे हैं, यानी आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसमें धमाका हो सकता है। और 6 अगस्त स्पेशली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 6 अगस्त जो है एक स्पेशल डे है इसके लिए, मैं अभी डिस्कस करूँगा ऐसा क्यों। इसके अलावा दोस्तों, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जल्दी से बताना जरूरी समझता हूँ इस कंपनी के अंदर जून क्वार्टर के अंदर का। ओके तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जून क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 28.3% की होल्डिंग, FII 0.6% के साथ अभी भी बने हैं, इससे पहले भी थे प्रमोटर्स, इससे पहले 26% की होल्डिंग के साथ बने हुए थे, लेकिन इस बार बढ़ा करके होल्डिंग को 28.3% कर दिया है, हालांकि उसमें से 87.3% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। DIIs देखें तो 35.1% के साथ बने, इससे पहले 34.7% के साथ थे, अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 38.7% पहले थी मार्च क्वार्टर में, इस बार 36.00% रह गई। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, ये दोनों अच्छी खबरें हैं। दोस्तों, अभी जेपी पावर वेंचर लिमिटेड ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 30 जुलाई को इन्होंने एक स्टॉक एक्सचेंज को एक अपडेट शेयर किया है, वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ जल्दी से बताना चाहूँगा। दोस्तों, इन्होंने 6 अगस्त 2021 के अंदर देखें तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाएगा या मीटिंग के अंदर डिस्क्लोज किया जाएगा इस कंपनी के स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021, यानी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पे एक और अपडेट इसी के साथ जुड़ी गई है कि 1 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक जो है, 1 जुलाई हालांकि 1 जुलाई से 31 जुलाई ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन
8 अगस्त तक जो है इसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है उसको उसके लिए बैन किया गया, यानी वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज करी गई है। अब उसमें कौन कौन लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजरियल पर्सनल्स हैं, या फिर जो भी डिजिग्नेटेड पर्सनस हैं, इन सभी को मना किया गया है 8 अगस्त 2021 तक ट्रेडिंग करने से। राइट, तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं इसके अंदर तो शायद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 6 अगस्त 2021 के अंदर धमाका कर सकता है जेपी पावर। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो इस बार अच्छा लेके आए उम्मीद करेंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने धमाका दिखाया था, ऐसा नहीं है कि दिखाया नहीं था। 211.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आया था, इससे पहले इनको 12.3 करोड़ का नेट लॉस था, उससे पहले 44.8 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनको प्रॉफिट हुआ था, सॉरी दिसंबर नहीं सितंबर क्वार्टर के अंदर। उससे पहले अगर देखें तो 20 क्वार्टर 1 के अंदर, यानी एक साल पीछे जून 2020 में 23.4% का इनको सॉरी 23.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। इस बार इनको मार्च क्वार्टर में 211.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, इस बार भी उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही कुछ प्रॉफिट लेके आए। तो डेफिनेटली इसमें धमाका होने की पूरी संभावना है, उम्मीद करिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग। Okay, so this is all in this video regarding JP Power Limited. If you like this video, please like this video. I mean to say that कि आप इसे लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।